हेलो जी, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, यहाँ पर हो रही है मेरे और मम्मी के कहीं जाने की तैयारी। कहाँ पर जा रही है ये मैं आपको अभी धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो मैं और मम्मी तैयार हो गए हैं। सोनिया को भी बोला था लेकिन उसका काम नहीं निपटा था, तो इसलिए, क्योंकि मम्मी ने सुबह के टाइम ही बताया कि चलने के लिए, रात के टाइम बता देते तो शायद काम निपट जाता। और बस मैं और मम्मी जा रहे हैं, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और बच्चों के स्कूल खुल चुके थे और बर्जेस दीदी भी जा चुकी हैं और ये आ गया है टेम्पू, तो इसमें ही जाएंगे। और गांव की सभी औरतें, मतलब जिन जिनको जाना है, मम्मी की जो फ्रेंड्स हैं वो जाएंगे साथ में। तो हम लोग बैठ चुके हैं टेम्पो में, आप सब भी आ जाइए। तो बस हम लोग घर से निकल चुके हैं और आगे जाके रास्ते में आंटी और को लेंगे, क्योंकि हमारे जो घर पड़ते हैं ना वो खेत में पड़ते हैं, खेत और गांव जो है थोड़ी सी दूरी पे पड़ता है। तो हम लोग गांव की साइड जाएंगे, उसके बाद फिर सबको लेंगे साथ में और फिर उसके बाद जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, सस्पेंस नहीं रखती हूँ ज़्यादा देर का। हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दरबार में और रन है शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में। वहाँ पर आप सबको दिखाऊंगी शिव शंकर भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो रन में है, माता बगलामुखी के मंदिर में। और मैं ना पहली बार जा रही हूँ, पहले कभी नहीं गई। मैं और मम्मी भी पहली बार ही जा रही हैं इतने सालों में, पहले कभी भी हम लोग माता रानी के दरबार में नहीं गए हैं। और हमारे गांव से ना बहुत कम ही दूरी पर पड़ता है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पहली बार जा रहे हैं। और ये आंटी और तो कई कई बार जा चुके हैं, तो माता रानी का अब तक बुलावा नहीं आया था, तो इसलिए हम लोग अब तक नहीं गए थे। तो और यहाँ पर रास्ते में ले लिए हैं, मतलब हमारे गांव का ही जो अड्डा होता है, तो यहाँ पर रोक लिया है टेम्पो को, यहाँ से ले लिया है एक एक डब्बा बेसन के लड्डू का, तो वहाँ पे चढ़ाने के लिए, माता रानी के दरबार में चढ़ाने के लिए। और फूल वगैरह तो साथ में घर से ही लेके चले थे, और जिनको सूट जोड़ा वगैरह कपड़ा वगैरह कुछ भी चढ़ाना है तो वो घर से ही लेके चले हैं। और कुछ जो है मन्नत भी मांगते हैं यहाँ माता रानी के दरबार में, उनकी मन्नत भी पूरी होती है, इसीलिए जो है सभी दोबारा जाते हैं। तो मैंने तो ज़्यादा बड़ी कोई मन्नत नहीं मांगी है, मैं तो ऐसे ही चले गई थी माता रानी के दरबार में, क्योंकि माता रानी ने और भगवान जी ने, बाकी बिहारी जी ने, राधा रानी ने बहुत कुछ दे रखा है, तो उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बिन मांगे ही दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी ये रास्ते में हमारा पड़ रहा है जो है मंदिर है, जो शिव शंकर भगवान जी का मंदिर है यहाँ पर, ये भी हम लोग आते हुए आप सबको दिखाएंगे। तो इसकी, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। यहाँ पर मैं आई थी आशु को लेकर, जब आशु हुआ था उसके कुछ टाइम के बाद आई थी मैं यहाँ पर, उसकी सूप थी शायद कुछ, तो हम लोग उस टाइम पे पूरी रात लाइन में खड़े रहे थे, पूरी रात, शाम को 7-8 बजे के करीब हम लोग लाइन में लग गए थे यहाँ पे शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में। और उसके बाद हम लोग सुबह लगभग 4 बजे के करीब हम लोग ने मत्था टेका था, पूरी रात लाइन में बच्चे को लेके खड़े, बड़ा मुश्किल काम था उस टाइम, बहुत थक गई थी मैं, एक तो खड़े रहना, दूसरा बच्चे को गोदी में लेके रखना, क्योंकि आशु किसी और के पास जा भी नहीं रहा था, तो फिर क्या करते, तो बड़ी मुश्किल से मत्था टीका था भगवान जी ने। खैर, बहुत अच्छी सूख उतर गई थी हमारी। तो जी, ये है माता रानी का मंदिर, हम लोग पहुंच चुके हैं और सब लोग उतर चुके हैं। तो ये है मेन दरवाज़ा, जो माता रानी का दरवाज़ा, मेन मंदिर का दरवाज़ा है, तो यहाँ से एंट्री होती है और सब लोग उतर चुके हैं। और ये देखिए, मैं आप सबको दिखा भी रही हूँ, यहाँ पे माता रानी के मंदिर का नाम भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पहुँच के बहुत सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब माता रानी का दरबार देख के, क्योंकि पहली बार ही देखा। और यहाँ पर सभी जो है अपनी अपनी प्रार्थना की और जो भी कुछ करना होता है, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया, वो किया। और तो ये है मेन माता रानी, जो जिनके दर्शन मैं आप सबको करा रही हूँ, आप सब भी माता रानी के दर्शन करके अपने भाग्य को धन्य बनाइए। तो अभी बस मत्था टेकने के बाद कीर्तन होगा। Thank you.
तो जी सब जगह हमने मत्था टेक लिया है, लेकिन शिव शंकर भगवान जी का मंदिर भी है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग बाद में मत्था टेकेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रसादी ली जाती है और प्रसाद में मीठे चावल दिए जाते हैं। तो यहाँ हमने खा लिए हैं, ये मैं आप सबको भी दे रही हूँ, आप सभी प्रसाद पा लीजिए। और जिनका व्रत है उन्होंने प्रसाद नहीं खाया है, और ये प्रसाद ऐसा है इसको ना वहीं पर खाना होता है बैठ के, इसको घर नहीं लेकर आते। तो ये हम आ गए हैं शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में, यहीं पास में मतलब इसी के बीच में ही ये मंदिर है, और यहाँ पर मंत्र जाप हो रहा था तो हमने भी जल वगैरह चढ़ाया। और फोन कोई और दिए थे प्रसाद वगैरह लेने के बाद। तो ये हैं सब आंटी और हम सब जो जो गए थे, तो ये आ गए हैं हम लोग शिव शंकर भगवान जी के मंदिर में। रन है तो ये मंदिर है शिव शंकर भगवान जी का, और बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ से हमने पहले उतर के प्रसाद लिया और फूल वगैरह लिए, और जल जो है वो अंदर से ही मिलता है। और यहाँ पे ना ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है, ये आपको तो शायद छोटी सी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये ना बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये यहाँ से प्रसादी लेने के बाद और फूल माला लेने के बाद फिर हम लोगों ने अंदर दर्शन करने के लिए गए हम सब। और मंदिर में एंट्री करने के बाद हमने पानी यानी कि जल का लोटा ले लिया था, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे थे। और यहाँ पे ना काम चला हुआ था, फर्श वगैरह हो रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बन रही थी। तो ये देखिए सब जगह जो है ईंटें बिछाई हुई हैं, यानी कि फर्श के लिए ये सब चीज़ें बिछाई हुई हैं। और जहाँ से हम लोग जा रहे थे, जहाँ से रास्ता था, वहाँ पे टाट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर भी पाँव में काफ़ी सारी चीज़ें चुभ रही थी। लेकिन कोई नहीं, मंदिर में जाने के बाद तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये ना मंदिर बहुत बड़ा है और इसमें दोबारा से कुछ काम चला हुआ है। ये मतलब जो पहले दूसरी साइड भी मंदिर है, ये जो है दूसरी साइड और आगे बढ़ा रही है इस मंदिर को, तो बहुत बड़ा मंदिर है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। ये तो खंडे तो रदो ही है। ये क्या होता तूरा
और मुझे जितना पता है उतना मैं आप सबको बताती हूँ। मैंने सुना है कि विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, सॉरी होते नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो उन ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है रणामी, तो उनकी भी मैं आप सबको दर्शन करवाने वाली हूँ अभी कुछ देर बाद। पहले यहाँ पे दर्शन कर लें। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं के जो है मूर्तियाँ हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये ना अब नई ही बनी है, पहले नहीं थी ये सब चीज़ें, तो ये अब नई बनी है। और ये देखिए यहाँ पर हो रहा है हवन, और यहाँ पर ना धागे भी बांधे जाते हैं, और ये यहाँ पर समुद्र मंथन का दर्शन दिखाया गया है। और सामने ही माता रानी का जो है माता रानी की मूर्ति है, तो बस। और इसके एक साइड में ही शिव शंकर भगवान का जो दरवाज़ा है, जो पुराना मंदिर है, वो भी जाता है। तो यहाँ पर बांधे जाते हैं धागे वगैरह, और ये शिव शंकर भगवान जी की पुरानी शिवलिंग है। और यहाँ पर जो है प्रसादी मिलती है, जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे थे, तो यहाँ से हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो देखने की थी। यहाँ पर ये कान्हा जी ने जो है वो पर्वत उठाया हुआ है, और गोवर्धन पर्वत। ये गमले में लग जाए बेलपत्तर, ये बेलपत्तर कोई अच्छा, ये बन ये तो है, तो जी ये है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर, मेन मंदिर ये है। यहाँ पर है जो शिव शंकर भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर ना इस जगह पे ना भारत का नक्शा बना हुआ है, और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर ये ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग है, वो बने हुए हैं यहाँ पे। हम ना आज बहुत ही खुले, मतलब एकदम बहुत ही आराम से हमने मत्था टेका, पूजा की, क्योंकि आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। वैसे अगर जो मेन दिन पर आते हैं तो इसमें जो ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अभी मैं आप सबको सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने वाली हूँ। ये देखिए 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो सभी, मतलब भारत का नक्शा छपा हुआ है उस पर, जहाँ जहाँ पर भी ये ज्योतिर्लिंग है वहाँ वहाँ इनके ये जो शिवलिंग है वो बनाए गए हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ, यहाँ पर मत्था वगैरह टेकने के बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद फिर थोड़ी देर नाच गाना हुआ, और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे घर के लिए। और क्या ले जाएंगे।
और यहाँ पर ना सबको भूख भी लगाई थी और किसी ने भी खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो इसलिए थोड़े थोड़े से चने खाए थे। और हम लोग सुबह 7 बजे गए थे और 11:30 के करीब हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि पास में ही पड़ती है माता रानी का दरबार और जो रहने वाला शिव शंकर भगवान जी का मंदिर है वो। तो यहाँ पर ये शाम के टाइम का वीडियो है, बच्चे बैठे आम खा रहे थे, मतलब शिवी आम खा रही थी, तो आप लोग भी खा लीजिए क्योंकि अब तो खैर इसका सीजन चला गया है। वीडियो बहुत लेट आ रही है मेरी, तो सीजन अभी मतलब आम हैं अभी भी पूरी तरह से गए नहीं हैं, अभी तो थोड़े बहुत है ही हैं आम। और यहाँ पर शिवी जो है फिर काम कर